मुगल, अफगान, रोहिल्ला सभी का दौर देखा है। बरेली ने नवाबी और इंग्लिश दौर देखा है। यदि हम पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ लाएंगे तो वास्तव में हमारे बच्चे कुछ सीखेंगे। और मैं और सबको भी वो कहूंगी कि यहाँ पे आए और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। मेरी बीवी के सिर पर जितने बाल थे मैं उतने लोगों को फांसी की सजा दूंगा। जिस बरेली में हम लोग रहते हैं उसके बारे में जाने और जानकारी प्राप्त करें। जो चीजें हमने किताबों में पढ़ी वो हो सकता है कई बार हम भूल जाते हैं, ये रियलिटी है, साल दो साल में भूल जाते हैं, लेकिन इस पिक्चर के माध्यम से बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। नमस्कार, मैं माधुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और इस समय हम लोग मौजूद हैं, ये पुरानी जो जिला जेल है जो अब जिला जेल में तब्दील होने जा रही है, इस पे काम चल रहा है, उसी के साथ में ही लगा हुआ ये लेजर लाइट शो है जो यहाँ पर बरेली की जो खासियत है, बरेली का जो इतिहास है उसके बारे में बताता है। ये दो शो इस समय चल रहे हैं यहाँ पर, 7:30 बजे से लेकर एक शो स्टार्ट होता है आधे घंटे का, तकरीबन 8 बजे से एक शो स्टार्ट होता है, 8:30 तक जो लगभग चलता है, जिसमें 200 लोगों की बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है और इसमें बरेली के पांचाल जो इतिहास है उससे लेकर अंग्रेजी और मुगल काल की तमाम वो घटनाएं हैं उनका जिक्र किया गया है और बरेली किन चीज़ों के लिए मशहूर है, इन सारी जो कहानियां हैं उनको दिखाता हुआ ये शो नज़र आ रहा है। सर, ये अभी 10 मई से स्टार्ट हुआ टिकट का और हमारे यहाँ जो है 200 लोगों की व्यवस्था है बैठने की। कितना टिकट रखा गया है? इसका टिकट 50 रुपये पर है और 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों का टिकट मान्य होगा। टाइमिंग अभी इसका 7:30 से 8 पहला शो है, 8:30 से 9 दूसरा शो है। शाम को ही रहता है? शाम को ही रहता है। ये 28 मिनट का शो है सर। 200 चलते हैं? हाँ, डेली चलते हैं, कोई छुट्टी नहीं है, कंटिन्यू है, सातों दिन है। कितने लोग आ रहे हैं इस समय? इस समय 25-28। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं तो बहुत सी चीज़ें जो जानता नहीं था बरेली के बारे में, हालांकि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन बरेली की हिस्ट्री के बारे में मुझे नहीं पता था कि इसकी हिस्ट्री इतनी अच्छी है, कि मुझे फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा यहाँ पर कि फ्रीडम मोमेंट में इतना यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन रहा बरेली का। पंडित नेहरू भी यहाँ पर बंद रहे इस जेल के अंदर, और काकोरी कांड के जो शहीद लोग थे यहाँ भी, वो भी इसी जेल के अंदर थे, और हिस्ट्री के बारे में कि पांचाल वगैरह के नगरी के बारे में। इट इज़ वेरी मच मार्वलस, इट इज़ वेरी गुड शो एंड आई थिंक कि एवरीबडी शुड कम हेयर एंड वॉच दिस शो, इट इज़ वेरी मच अप्रिशिएबल, वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? प्रमिला सक्सेना। हाँ, आज पहली बार शो देखा, बहुत अच्छा लगा और ये लगा कि बरेली में चलो कोई अच्छी चीज़ तो हुई है कि देखने के लिए, और जो कुछ नहीं जानते थे हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत नई नई बातें पता चली इसको देखने के बाद, जो हम जानते भी नहीं थे। क्या कहना चाहेंगे? सबको हम कहेंगे कि आकर के लोग देखें और इसके बारे में जाने कि बरेली क्या है हमारा, जिस बरेली में हम लोग रहते हैं उसके बारे में जाने और जानकारी प्राप्त करें। यहाँ मुझको बहुत अच्छा लगा, जो हमने आज तक ये किताबों में पढ़ा था वो आज हमने सच में एक स्क्रीन पे देखा है, जो बहुत अच्छा हुआ था। इससे हमारी मतलब नॉलेज भी बढ़ी और मैं और सबको भी वो कहूँगी कि यहाँ पे आएँ और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। वैसे मैं यहाँ से मतलब बिलोंग अभी करने लगी हूँ, लेकिन वास्तव में जो चीज़ें मैं यहाँ क्या सुनी जी। थोड़ा सा एक तो हम आने में लेट हो गए, लेकिन हम दोबारा से ये देखेंगे स्टार्टिंग से है ना। तो हमें भी मेरे हस्बैंड ने बताया था कि बच्चों को वहाँ लेकर चलेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, उससे बरेली के बारे में इन बच्चों को जानकारी मिल पाएगी। और वास्तव में जितना हम लास्ट का शायद 12 से 15 मिनट का ही देख पाए हैं तो काफ़ी नॉलेज बढ़ी, अच्छा भी लगा, एक नई पहल हुई है अपने शहर में। और जैसे अक्सर हम होता है ना, अपने बच्चों को पार्क में लेके जाते हैं है, या कहीं भी ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ वो इन्जॉय करते हैं, लेकिन अपने शहर के इतिहास के बारे में नहीं जान पाते हैं, जो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं उनसे बच्चे हमारे आज भी अनजान हैं। तो मुझे लगता है कि यदि हम पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ लाएंगे तो वास्तव में हमारे बच्चे कुछ सीखेंगे है ना, जैसे जी बहुत जान पाएंगे। जो चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी वो हो सकता है कई बार हम भूल जाते हैं, ये रियलिटी है, साल दो साल में भूल जाते हैं, लेकिन इस पिक्चर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी। और मुझे तो भैया बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में मैं एक ऐसे शहर में मेरी शादी हुई या मैं ऐसे शहर की आज वासी हूँ कि जहाँ पर इतने सारे शहीद इस शहर से जुड़े हुए हैं, उनकी यादें हैं है ना, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने इतना अपना योगदान दिया। तो वास्तव में मतलब
एक होता ना अंदर से एक जिस रोंगटे से खड़े हो रहे हैं बताने में भी, हाँ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि वास्तव में हम एक ऐसे शहर से जुड़े हुए हैं। वैसे मैं बिलोंग करती हूँ गाजियाबाद से, ठीक है। शादी को कितने साल हो चुके? शादी को मेरे हो गए हैं 10 साल, लेकिन मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बाहर रही शाहजहानपुर। अच्छा, शाहजहानपुर को भी शहीदों की नगरी कहा जाता है क्योंकि ना वहाँ भी बहुत सारे शहीद उस शहर से रहे हैं, उस ज़िले से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बरेली में भी काफ़ी लोग मतलब रहे हैं। अब जैसे लास्ट में बताया कि जवाहरलाल नेहरू जी भी यहाँ कुछ समय के लिए रहे हैं इस जेल में, तो काफ़ी कुछ जानने को मिला। और भैया मैं तो सभी से कहूँगी कि बरेली का हर एक वासी थोड़ा सा समय निकाल करके अपने बच्चों को यहाँ लेकर के ज़रूर आए, ताकि आपके बच्चे कुछ ना कुछ यहाँ से ज्ञान लेकर के जाएं। आज तक बरेली को पहले केवल झुमका के नाम से ही पहचानते थे। अगर ये शो बाहर और लोग अन्य लोग देखते हैं तो हमारे जो हमारे शहीद हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी में बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, उनके बारे में लोग देखेंगे और जानेंगे कि हमारे यहाँ के लोग भी आज़ादी की लड़ाई में साथ रहे। बहुत अच्छा लगा, मतलब किताबों में पढ़ा था कि इतना यहाँ पे क्रांतिकारी थे, तो आज देखा यहाँ पे आए, सुना था दादी बाबा से बरेली के बारे में, तो आज देखा तो अच्छा लगा, सीखा कुछ और याद भी रहेगा, बहुत अच्छा है। कैसा लगा आपको शो? अच्छा लगा। किसके साथ आए हैं? मामा के साथ और भैया भाभी। कैसे पता लगा इस शो के बारे में? मामा को पता था पहले से, पता था। हाँ, तो बरेली के बारे में आज जाना है, शो देखा है, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? आनंद। मैं शो देखने आए हैं आप और फैमिली को साथ में भी लाए? जी हाँ जी हाँ। तो कहाँ से जानकारी मिली थी और शो देखकर? मैं ऑलरेडी बरेली में रहता हूँ, यहीं जॉब करता हूँ, तो इसके बारे में पता था पहले से, तो काफ़ी समय से प्लानिंग थी ये चलेंगे देखने, तो आज समय मिला तो आगे इनको लेके घुमाने। कैसा लग रहा? बहुत बहुत ही बढ़िया, यहाँ बहुत सराहनीय काम है ये, बहुत बरेली शहर के लिए और सभी के लिए। मैं कहूँगा कि आएँ और देखें और बरेली शहर के बारे में जानें।